खेती संबंधित सभी वीडियो देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, उसके बाद बेल आइकन को दबा देना है, जिससे आप भविष्य में आने वाली वीडियो भी देख पाएंगे। नमस्कार किसान भाइयों, आपका एसटीआर खेती में एक बार फिर से स्वागत है। किसान भाइयों, बहुत से भाइयों ने हमसे कमेंट करके पूछा है कि बोन मील फर्टिलाइजर है, इसके क्या गुण हैं और इससे पौधों को क्या फ़ायदा मिलता है, किन फसलों में हम यूज कर सकते हैं और जानवरों से भी हम कैसे बचाव कर सकते हैं। तो पूरी डिटेल के साथ आज हम इस वीडियो को बना रहे हैं, इसलिए यदि आप बोन फर्टिलाइजर के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखना, जिससे आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि ये जो है एक हड्डियों का बारीक चूरा होता है और कुछ बोन फर्टिलाइजर ऐसे होते हैं जो बिल्कुल पिसे होते हैं पाउडर की तरह। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि जो बोन फर्टिलाइजर हल्का चूरा होता है वो फसलों में अच्छी तरह काम करता है और इसी फर्टिलाइजर से हम जानवरों के बचाने के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। जो बिल्कुल पाउडर की तरह होता है उसमें होता क्या है कि वो कभी कभी उबाले हुए बोन फर्टिलाइजर होते हैं, तो उनसे आपको विशेष फ़ायदा नहीं होता है और जानवरों से आप उनसे बचाव नहीं कर सकते हैं। इसका प्रयोग जब करते हैं तो एक जैविक उर्वरक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है और इससे जानवरों का बचाव कुछ इस तरह हो जाता है कि जब हम इसका यूज करते हैं यानी अपने फसलों में इसका प्रयोग करते हैं तो इसमें हल्की बदबू आती है, बहुत तीव्र बदबू नहीं आती है। जो जानवर आपकी फसल को चरने जाता है तो उसको एक गंध आ जाती है, जिससे जानवर फसल को नहीं चरता है और खेत से बाहर चला जाता है। इस प्रकार से जब हम एक बार इसका अपनी फसल में प्रयोग करते हैं तो जानवर लगभग 10 से 15 दिन तक हमारी फसल को चरने से छोड़ देते हैं और 15 दिन के बाद हम इसका पुनः अपनी फसल में डाल करके जानवरों से बचाव कर सकते हैं। अब दोस्तों थोड़ा इसके बारे में बता दें कि यह एक NPK फर्टिलाइजर की तरह काम करता है, लेकिन यह जैविक फर्टिलाइजर है, रासायनिक फर्टिलाइजर नहीं है और काफ़ी इसको पसंद भी किया जा रहा है। ख़ास तौर से यदि आप प्याज, गाजर, मूली, शलजम और अन्य रूट वाली फसलों को उगाते हैं तो ये आसानी से प्रयोग किया जा सकता है और बहुत अच्छा लाभ देता है, क्योंकि इसमें फास्फोरस जो होती है वो पौधों को बड़ी आसानी से मिल जाती है, क्योंकि जो फर्टिलाइजर रासायनिक होते हैं उनमें जो है फास्फोरस ज़्यादा मात्रा में होती है लेकिन इतनी जल्दी पौधे को नहीं मिल पाती है। लेकिन ये फर्टिलाइजर एक कच्ची अवस्था में कही जा सकती है जो पौधों को मिलने में काफ़ी आसान होती है। इसके साथ साथ गेहूं, धान, सोयाबीन, कपास और सब्जी वर्गीय सभी फसलों में हम इसका यूज कर सकते हैं। एक चीज़ दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले बता दें कि बोन फर्टिलाइजर जो होती है वो अलग अलग जानवरों की होने के कारण जो है इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा भिन्न हो सकती है। आमतौर पर नाइट्रोजन की मात्रा जो होती है वो 3 से 6% तक होती है और जो फास्फोरस की मात्रा होती है वो 12 से 22% तक हो सकती है। तो जब आप इसका प्रयोग करते हैं तो नाइट्रोजन जो होती है सूक्ष्म मात्रा में होती है, लेकिन वातावरण से या उर्वरक जो है नाइट्रोजन को कुछ अतिरिक्त मात्रा में अवशोषित कर लेती है जो पौधों को प्रदान कर देती है। फास्फोरस की भी यही स्थिति है, फास्फोरस जो उसमें 12 से 22% तक होती है तो टोटल फास्फोरस आपके पौधों को मिल जाती है। जबकि यदि हम किसी रासायनिक फर्टिलाइजर का यूज करते हैं तो उसमें जो फास्फोरस होती है 32% या 36% जो भी आप देखते हैं, तो उसमें होता क्या है कि घुलनशील मात्रा में केवल 12 से 14% तक होता है। तो यानी फास्फोरस हमको उतनी ही मिलती है जितनी हम बोन फर्टिलाइजर का यूज करके यूज कर सकते हैं। अब जानवरों को बचाने के तरीके में तो दोस्तों आपको हमने बता दिया है कि इसका प्रयोग आपको 15-15 दिन के अंतर पर करना है और ये फर्टिलाइजर तभी काम करती है जब आपके खेत में पर्याप्त नमी हो। यदि पर्याप्त नमी नहीं है तो ये फर्टिलाइजर व्यर्थ चली जाती है, यानी इसका आपकी फसल को कोई लाभ नहीं पहुँचता है, ना तो आप जानवरों से इस फर्टिलाइजर का यूज करके बचाव कर सकते हैं। यदि आप इसको डायरेक्टली किसी मिल से ख़रीदते हैं तो आपको ये बहुत सस्ते दामों पर मिल जाती है, 20 से 22 रुपये प्रति किलो मिल जाती है। लेकिन यदि आप किसी ऑनलाइन वेबसाइट से जैसे अमेजान आदि से ख़रीदते हैं तो बोन फर्टिलाइजर जो विक्रेता हैं वो अलग अलग रेट पर मुहैया करवाते हैं। कुछ कंपनियां जो हैं आपको मुहैया करवाती हैं 500 से 600 रुपये के 5 किलो का पैकेट, तो कुछ कंपनियां आपको 150 से 200 रुपये का 1 से 2 किलो पैकेट ही उपलब्ध करवाती हैं। सबसे अच्छा रहेगा यदि आपके पास में कोई बोन फर्टिलाइजर बनाने वाला मिल है तो आप वहां से परचेज करें, जिससे आपको सस्ता में पड़ जाएगा और अच्छा लाभ भी मिलेगा। क्योंकि जो
हम ऑनलाइन ख़रीदते हैं उसमें हो सकता है कुछ मिलावट हो, तो ऑनलाइन एक तो महंगी पड़ेगी, दूसरे मिलावट की भी संभावना है, तो शायद उतना अच्छा आपको रिजल्ट नहीं मिले। लेकिन यदि आप सीधे डायरेक्टली किसी मिल से ख़रीदते हैं जहां पर बोन फर्टिलाइज़र खुद मिल द्वारा तैयार की जाती है और बाद में उसकी पैकिंग की जाती है, तो एक तो आपको सस्ते में मिल जाएगी, दूसरे अधिक फ़ायदा भी आपको मिलेगा। इसका यूज करने के लिए दोस्तों आप सीधे हाथ से बुआई ना करें, इसमें किसी पॉलीथीन की जो बैग आती हैं उसको हाथ पे चढ़ा करके यूज कर लें, क्योंकि ये एक बदबू वाली उर्वरक है और इसका स्प्रे करते समय या इसका प्रयोग करते समय, यानी जब आप इसका छिड़काव कर रहे हैं अपनी फसल में दे रहे हैं, तो आप मुंह को ज़रूर ढक कर रखें, नहीं तो तेज़ बदबू के कारण उल्टियाँ आदि भी हो सकती हैं। और यदि कोई जानवर बाय चांस आपकी फसल को चर भी लेता है, तो ये फर्टिलाइज़र ऐसी है कि जानवर को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचती है। चलिए दोस्तों इसकी डोज के बारे में भी आपको थोड़ा बता देते हैं। तो यदि आप किसी भी फसल में इसका प्रयोग करना चाहते हैं तो मात्रा इसकी 5 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ अच्छी रहती है। ज़्यादा भी यदि आप प्रयोग कर देते हैं तो, क्योंकि यह एक जैविक उर्वरक है, तो आपको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता है। हाँ, पौधे उस हिसाब से अपने अनुसार इस उर्वरक को लेना चालू करते हैं। ज़्यादा उर्वरक एक साथ प्रयोग करने पर हो सकता है थोड़ा लंबे समय तक आपकी फसल को ये मिलती रहे, लेकिन बेहतर रहेगा यदि आप 5 से 10 किलोग्राम एक एकड़ में इसको डालते हैं, तो आप 15-15 दिन के अंतर पर 3 बार अपने गेहूं की फसल, धान की फसल या अन्य जो लंबे समय तक 6 महीने की फसलें हैं उसमें यूज कर सकते हैं। और सब्जियों वाली फसल में इसकी मात्रा थोड़ी आप कम प्रयोग करें और जल्दी जल्दी आपको प्रयोग करने की आवश्यकता रहेगी। तो सब्जी वर्गीय फसलों में आप 2 से 5 किलो तक ही यूज करें और 8-8 दिन के अंतर पर सीधे पौधों के पास देना चालू करें, क्योंकि पौधे के पास यदि आप जड़ों के पास देते हैं तो ये अच्छी तरह से पौधे को मिलती है। यदि आप सीधे बिखेर करके देते हैं तो पौधों को ये अच्छी तरह से नहीं मिलती है, यानी जड़ें इसको अच्छी तरह से अवशोषित नहीं कर पाती हैं। तो देने के तरीके जो हैं अलग अलग फसलों के लिए अलग हो सकते हैं। जैसे आपकी गेहूं की फसल या धान की फसल या कोई अन्य फसल है, तो उसमें आप छिटकुआ विधि से इसकी बुआई कर सकते हैं। लेकिन जो सब्जी वर्गीय फसलें हैं या प्याज, गाजर, मूली, टमाटर, अन्य जो फसलें हैं, इसमें आप जड़ों के पास ही दें। एक चीज़ दोस्तों हमने पहले भी बताया था कि इसको देने के समय आपके खेत में पर्याप्त नमी का होना आवश्यक है। और जानवरों से बचाव के लिए आप जल्दी जल्दी यदि इसको देते हैं तो जानवरों से भी अच्छी तरह बचाव हो सकता है। अब दोस्तों थोड़ा इसके प्राइस के बारे में आपको बता दें, यदि आप ऑनलाइन ख़रीदते हैं तो ऑनलाइन आपको 1 किलो लगभग 200 रुपये की मिलती है, लेकिन यदि आप सीधे मिल से ख़रीदते हैं तो 20 से 25 रुपये किलो आपको मिल जाएगी। आप अपने अनुसार चाहे मिल से ख़रीदें चाहे ऑनलाइन ख़रीदें, जिस प्रकार से आपको मुहैया हो सके उस प्रकार से आप इसको परचेज कीजिए और अपनी फसलों में यूज कीजिए। साथ में दोस्तों बताना चाहेंगे, जो आप 1919 उर्वरक का स्प्रे करते हैं और 0-52-34 का स्प्रे करते हैं, तो उस को भी आपको स्प्रे करने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं रहती है, क्योंकि ये सब काम आपकी ये बोन फर्टिलाइज़र आसानी से पूरी कर देती है। हाँ दोस्तों, 0050 जो है जिसमें पोटाश की मात्रा होती, उसकी आपको अतिरिक्त देने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि इसमें पोटाश की मात्रा नहीं होती, कैल्शियम आदि की मात्रा इसमें होती है। कैल्शियम की पूर्ति जो है आपके पौधों को हो जाएगी, जिससे तना मजबूत और अच्छा पौधा आपका चलेगा। लेकिन फास्फोरस की पूर्ति के लिए आपको फास्फोरस की अलग से आवश्यकता पड़ेगी, और जो बुआई के समय आपने उर्वरकें दी हैं उनसे कोई मतलब नहीं रहता है, वो तो आपको देना ही देना है। उम्मीद है आपको ये जानकारी समझ में आ गई होगी, लेकिन फिर भी आप इस पे और कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, हमें बताइए, हम उसका जवाब आपको ज़रूर दे देंगे। दोस्तों एक चीज़ और बताना चाहते हैं कि इस समय लखनऊ में एक कृषि मेला चल रहा है और हम आज वहाँ पर जाने वाले हैं। कैसा रहता है मेला, क्या क्या चीज़ें उपलब्ध रहेंगी, हम उसकी भी डिटेल से आपको समय समय पर अपडेट पहुंचाएंगे। संभव होगा तो हम लाइव भी करने की कोशिश करेंगे, यदि संभव नहीं होगा तो लाइव नहीं हो सकता। लेकिन आप लोग कमेंट करके बताइए कि मेले में आप के लिए कौन सी खास चीज़ें होंगी, आप ज़रूर कमेंट में बताइए। यदि वैसी चीज़ें हमको मिलती हैं तो उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे और आपको उसकी भी जानकारी देंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य मेले में जाने का यही है कि आप लोगों के लिए वहाँ पर क्या खास हो सकता है, कौन से नए उपकरण हैं या कौन से नए बीज उपलब्ध होंगे,
पूरी डिटेल हम वहाँ पर कवर करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको अच्छी से अच्छी जानकारी मिले, क्या कोई नई प्रजातियाँ आई हैं या नए उपकरण कृषि आए हैं और कितने में उपलब्ध रहेंगे, कितनी सब्सिडी आदि रहेगी, हम पूरी डिटेल वहाँ पर कवर करने की कोशिश करेंगे। तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइए आप क्या जानकारी चाहते हैं और बोन फर्टिलाइज़र के बारे में आपको और कोई क्या जानकारी चाहिए। मिलते हैं दोस्तों नई जानकारी में, तब तक के लिए दीजिए अनुमति। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।